तो हमने ये तीनों डेफिनेशंस देख ली, रिस्टोरिंग फोर्स, रिफॉर्मेशन और इलास्टिसिटी, ठीक है। अब देखो रिस्टोरिंग फोर्स से कैसे बॉडी अपनी शेप को रीगेन करती है और वो किस तरह से करती है और क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। मैंने क्या किया, एक ये फ्लैट सरफेस है जिसमें एक ये रिजिड सपोर्ट है, जो कोई भी दीवार हो सकती है, जैसे ये आपका दीवार है, नीचे आपका पर्स है, तो फ्लैट सरफेस है, ये रिजिड सपोर्ट है, ठीक है। तो ऐसे किसी कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें यहाँ पर कोई स्प्रिंग कनेक्टेड है और उसके साथ में एक ये मास कनेक्टेड है, एम मास, तो ये एम मास कनेक्टेड है, ठीक। हमने क्या किया, इस एम मास पे फोर्स लगाया एफ, तो ये जो एफ फोर्स है ये कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। इस एफ फोर्स की हेल्प से क्या होगा, इसकी लेंथ कुछ एल है, तो एल लेंथ में क्या आएगा, एक्सटेंशन आएगा, चेंज आएगा, और ये जो स्प्रिंग है ये आपका क्या हो जाएगा, एलांगेट होके कुछ यहाँ पहुंच जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, हो जाएगा। फोर्स लगाओगे तो ऑब्वियसली शेप में चेंज आएगा, एंड दिस इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन, ठीक है। ये डिफॉर्मेशन है, जो डिफॉर्मेशन कितना, अच्छा तो कहेगा कितना डिफॉर्मेशन है, तो आप ये डेल्टा एल चेक कर सकते हो, चेंज इन लेंथ, ये है एल ओरिजिनल लेंथ, दिस इज ये नई लेंथ है एल डैश, तो जब एल डैश में से एल को घटाओगे तो ये डिफरेंस आएगा, डिफरेंस इज डेल्टा एल विच इज चेंज इन लेंथ। फिर आप जब यहां से एक्सटर्नल फोर्स अभी भी अप्लाई कर रहे हो, जब आप एक्सटर्नल फोर्स हटा दोगे तो वो क्या करेगा, अपने आप को रीगेन करेगा। तो जो फोर्सेज हैं जो अंदर ही अंदर इसको वापस लाना चाहते हैं, उन फोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्सेज। और ये जो शेप है ये आपकी ओरिजिनली फिर से यहाँ आ जाती है। हाँ, ऐसा एकदम नहीं होगा, ऐसा होगा ये मास आके इसको कंप्रेस कर देगा वापस, फिर ये इस तरह से और कुछ टाइम के बाद ये रेस्ट में आ जाएगा और अपनी ओरिजिनल शेप को फिर से क्या कर लेगा, रीगेन। और इस पूरे नेचर को या इस पूरी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी, ठीक है, इलास्टिसिटी। सो ये सॉलिड की प्रॉपर्टी है, ये भी तो सॉलिड ही है मटेरियल, ओके। तो अब इलास्टिसिटी में हम क्या क्या चीजें आगे पढ़ेंगे वो हमारे टॉपिक स्टार्ट होंगे। सबसे पहले टर्म हमारे पास आती है, दिस इज स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस, अगर मैं यूनिट वाइज इसकी बात करूं कि इसकी यूनिट क्या है, जैसे जैसे लेंथ और डिस्टेंस दोनों की यूनिट मीटर, ठीक। एक्चुअली मेरी लेंथ भी तो डिस्टेंस बिटवीन माय फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, जहां से मैं शुरू होता हूँ जहां मैं खत्म होता हूँ उनके बीच का डिस्टेंस ही तो है, या उसी को हम क्या बोल रहे हैं, लेंथ बोल रहे हैं, ठीक बात है। लेकिन दोनों की जो जो आपका यूनिट आएगी वो कैसी आएगी, सेम आएगी, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी हम अलग अलग बोल सकते हैं, ऐसे जैसे कि एक तो लेंथ बोल दी, एक हमने डिस्टेंस बोल दिया, तो दोनों में बात एक ही आएगी। उसी तरह अगर मैं स्ट्रेस की बात करता हूं तो स्ट्रेस भी आपका एक तरह का प्रेशर ही है, ओके। स्ट्रेस ही क्या है, प्रेशर। अच्छा, प्रेशर के बारे में पढ़ा हुआ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ प्रेशर जिससे तुम्हें ये ना लगे कोई नई फिजिकल क्वांटिटी आई, बस जिसका जो रोल है वो कुछ अलग रखे है, इसलिए नाम उसका अलग रखा हुआ है स्ट्रेस। वैसे अगर तुम प्रेशर बोलो तो तुम्हारे लिए ये हैबिचुअल वर्ड है, हाँ तो सुना हुआ है। तो प्रेशर क्या है, एक्चुअली प्रेशर क्या बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब आप ये देखो, आपके पास ये कोई फिक्स रिजिड सपोर्ट है, जैसे कि ये छत है, ये रूफ है, और इसमें हमने क्या किया हुआ है, एक वायर लटकाया हुआ है जिसकी लेंथ है कोई एल, ये वायर इसमें सस्पेंडेड है, ठीक है। आपने इसके नीचे क्या किया, एक इस तरह से बैलेंस टांगा हुआ है, जैसे तराजू होता है वो टांगा। अब आप इसके तराजू के अंदर क्या रख रहे हो, वजन रख रहे हो। आपके पास कुछ बाट है, जो बाट होते हैं ना, जो अपने लोकल में बाट बोलते हैं ना, वेट्स बोलते हैं उसको यहाँ अपने लैंग्वेज, तो क्या करते हैं, इसके अंदर मैं वेट्स रखता हूँ, वजन रखता हूँ, जो आपके पास सपोज 100 ग्राम के हैं या आधा आधा किलो के हैं, व्हाटएवर जो भी, आप उसमें इसको रखते जा रहे हो तो नीचे की तरफ जो वेट होगा वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ वजन बढ़ाओगे तो नीचे की तरफ वेट बढ़ेगा। अच्छा, वेट कैसी क्वांटिटी है, आप पढ़ चुके हो फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट डायमेंशन पढ़ चुके हो, वेट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर और वेक्टर,
स्केलर। वेट कैसी क्वांटिटी है, मास कैसी क्वांटिटी है? अच्छा मास यहां लिखता हूं मैं 2 kg, तो वेट कितना होगा? ग्रेविटेशन पढ़ चुके हैं, वेट कितना होगा? बच्चों ध्यान से सुनो, ये मास मैंने यहां लिखा हुआ है 2 kg, तो इसी मास से वेट कितना बनेगा? टू के जी, वेट भी 2 kg होगा। सही है, क्या हमने ये नहीं पढ़ा वेट mg होता है, और m क्या है? मास, और जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या वेट 2 × 9.8 नहीं होगा? अगर मैं न्यूमेरिकली इसको 10 ले लूं तो क्या ये 20 नहीं होगा? और m मतलब मास, इसकी यूनिट है किलोग्राम, एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, एंड दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स, ये फोर्स की यूनिट है। अब अभी भी यूनिट डायमेंशन सर ने पढ़ाया हुआ सारी चीजें, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहां भी तो ये एक्सेलरेशन ही है, ये बस एक्सेलरेशन किसकी वजह से है? ड्यू टू ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन ही। सो मास इज किलोग्राम एंड एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, सो फोर्स की यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो यहां क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, इट मीन आप इसे लिखोगे 20 न्यूटन। So, वेट की यूनिट क्या होती है? 20 यूनिट। अरे तो इस न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमने एग्जांपल लिया उसमें 20 आया, तो वेट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। वेट की यूनिट न्यूटन, मास की यूनिट किलोग्राम, और वेट की डायरेक्शन क्या आई? जिस तरफ उसको पुल कर रहा है कौन? ग्रेविटी। ये अर्थ की वजह से है, और अर्थ हर एक चीज को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, तो इसको डायरेक्शन है नहीं है, तो वेट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और जो किससे रिजेंबल करता है? फोर्स से। फोर्स कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। जिस डायरेक्शन में लगता है उसी तरफ मोशन शुरू हो जाता है। देखना मैं इसको यहां से अगर छोड़ू तो ये नीचे जाएगा, डायरेक्शन में मूव करेगा, जब फोर्स लगता है तभी तो मूव करेगा। कौन अट्रैक्ट कर रहा है? अर्थ। अब किस डायरेक्शन में जाएगा? ये सेंटर की तरफ ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा कभी कि तुमने यहां से इसको जस्ट ड्रॉप किया और ये ऐसे चला गया, ऐसे तो तभी जाएगा जब तुम फेंको। अगर तुमने इसको जस्ट यहां से ड्रॉप कर दिया तो ये नीचे ही जाएगा, डायरेक्शनल है नहीं है, अर्थ जिधर खींच रहा है उसको। इसीलिए तो हमने इसके केस में जी यूज किया। तो जो आपका वजन है मतलब कि जो मास है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के साथ लग के अर्थ पे क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है, और उसी फोर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं तुम्हारे और अर्थ के बीच में वेइंग मशीन लगा, तो वही कैलकुलेट हो जाता है। अर्थ तो तुम्हें तब भी खींचेगा जब वेइंग मशीन होगी तुम्हारे पैरों के नीचे होगा। तो यहां पर जो ये mg है इट इज वेट, तो जब मैं यहां मास रखता जा रहा हूं तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है? वेट लग रहा है। और वेट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। मतलब क्या बोल सकता हूं इसको? फोर्स बोल सकता हूं। तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है? फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना, किस पे लग रहा है? एक वायर पे। तो इसके अंदर क्या आएगा? शेप में चेंज आएगा, ये भी हमने अभी पढ़ा है ना। एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो क्या आएगा? शेप में चेंज आएगा। वो माइनर लेवल पे आए या मेजर पे आए वो बात नहीं, बात यह है कि हाँ चेंज आए। चेंज आएगा तो हमने देखा कि थोड़ी देर बाद ये वायर थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, इतना नहीं होता जितना मैं यहां दिखा, माइनर सा एक्सटेंड हो गया। और उसके नीचे ये बैलेंस एज इट इज लगा हुआ है, नीचे फोर्स लग ही रहा है। तो मैंने ये देखा इसकी लेंथ एल है, तो ऑब्वियसली ये लेंथ तो अभी भी क्या है? एल है। और ये जो छोटा सा चेंज आया दिस इज डेल्टा एल, तो अब लेंथ जो हो गई वो हो गई आपकी एल प्राइम, एंड वेयर एल प्राइम इज इक्वल टू एल प्लस डेल्टा एल, and this delta L is deformation. इस delta L को क्या कहेंगे? अब आप ये देखो, ये है वो वायर, ठीक है, हालांकि इससे बहुत पतला होगा, मैंने मान लिया। अगर मैं उसको जूम करके देखूं, किसी लेंस से देखूं, मैग्नीफायर से देखूं, तो ऐसा दिखाई देगा वायर। वायर सिलेंड्रिकल होता है, तो जो सबसे एंड जो तुम्हें दिखाई देगा वो किस शेप का दिखाई दे रहा है? सर्कुलर। कैसा शेप है? सर्कुलर। ओके, अब
अभी सर्कुलर शेप पे ऐसे सस्पेंडेड है और यहां मैंने इस पे फोर्स लगाया डाउनवर्ड, इसको खींच लिया ठीक। तो जो फोर्सेस लग रहे हैं वो इस शेप पे लग रहे हैं नीचे की तरफ। तो जो जो आपके पास ये जो एरिया आएगा वो किसका आएगा? सर्कल का आएगा भाई। सबसे पहले कौन दिख रहा है आपको? शेप क्या दिख रही है? सर्कल दिख रही है। तो जो एरिया आएगा वो सर्कल का आएगा और उसपे ऊपर तुम क्या लगा रहे हो? फोर्स लगा रहे हो। तो इस जो फोर्स तुम्हारा लग रहा है, जो वेट है एक्चुअली, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ? फोर्स बोल रहा हूँ। और वो फोर्स लग रहा है इस एरिया पे, तो फोर्स पर यूनिट एरिया दिस इज प्रेशर। एंड हियर इन सॉलिड्स वी नोन या वी नो इट एज स्ट्रेस। हम क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेस बोलते हैं। ये स्ट्रेस है जो इसको क्या कर रहा है? खींचने की कोशिश कर रहा है, एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक बात, स्ट्रेस समझ आए। अच्छा, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखोगे तो क्या लिखोगे? होगा तो इसी नेचर में ना, फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन ये फोर्स कौन सा है? एक्सटर्नल फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स, जो इसके अंदर क्या करेगा? डिफॉर्मेशन करेगा। ठीक बात। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं? या तो मैं इसको बोलूं एक्सटर्नल फोर्स, या मैं इसको बोलूं लोड, या बोलूं डिफॉर्मिंग फोर्स। जो इसके अंदर क्या करवा रहा है? डिफॉर्मेशन करवा रहा है। कितना डिफॉर्मेशन? डेल्टा। तो फॉर्मूला होगा इसका, दिस इज डिफॉर्मिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स और लोड इस पर्टिकुलर केस के लिए डिवाइडेड बाय एरिया। लेकिन आपके पास यूनिट अभी भी वही है, ऊपर फोर्स है नीचे एरिया। यूनिट क्या है इसकी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो किसकी आती है? प्रेशर की आती है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब ये फोर्स लगेगा, इसको मैं लोड बोल सकता हूं, इसको मैं वेट बोल सकता हूं, कुछ भी बोल सकता हूं इस पर्टिकुलर केस के लिए। तो यही, और इसकी वजह से क्या आएगा? एक्सटेंशन आएगा। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस विच इज रिस्पॉन्सिबल। ओके, अब स्ट्रेस की वजह से क्या आया? ये डेल्टा एल आया। तो इस डेल्टा एल के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल। तो सॉलिड्स में डिफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और है, हमने ये पढ़ा था कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इसकी वजह से डिफॉर्मेशन आता है। ठीक है, और एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल क्या होता है? वो, हाँ, जो इसको अपनी शेप को रीगेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उन्हें क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। तो इस फॉर्मूले में मैं रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया भी लिख सकता हूं। क्लियर है? अगर रिस्टोरिंग फोर्स के टर्म्स में दिया हुआ है तो घबराना नहीं, बात तो वही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा अगर इस चौक पे कोई बच्चा एक न्यूटन का फोर्स अपनी तरफ ले जाने के लिए करता है और मैंने भी एक न्यूटन फोर्स लगाया है इसको रोकने के लिए, तो आपको दोनों को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर ये चौक रुका हुआ है तो दोनों फोर्सेस इक्वल है। तो अगर इसका एक न्यूटन है तो मेरा भी कितना? तो अगर डिफॉर्मिंग फोर्स पता है तो रिस्टोरिंग फोर्स भी कितना होगा? उतना ही होगा, वो मैं यहां यूज कर सकता हूं डायरेक्ट। ठीक है, चलिए। तो स्ट्रेस हो गया हमारा। आगे आप स्ट्रेस के टाइप्स, नोट्स तो सभी के पास होंगे, आगे पढ़ के आओगे, हम यहाँ रिवाइज करेंगे, लेकिन आप रीडिंग लेके जरूर आओगे। स्ट्रेस के टाइप्स, आगे एक टर्म आएगी स्ट्रेन, स्ट्रेन पढ़ोगे और फिर उसके टाइप्स, ये आप पढ़ के आओगे, कल हम इसको रिवाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।